हेलो दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में सिद्धार्थ रॉय ने मुझे कमेंट किया कि भैया एक वीडियो एलॉन मस्क के ऊपर भी बनाइए। वैसे मैं ऑलरेडी एलॉन मस्क के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में एलॉन मस्क की बायोग्राफी को तो कवर नहीं करने वाले हैं, लेकिन उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ को बताऊँगा। जैसा कि 2013 में टेडेक्स टॉक्स में उनसे पूछा गया कि आप फ्यूचर सिटीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनका रिप्लाई था कि फ्यूचर सिटीज़ हम मास में इम्प्लांट करेंगे, मास में हम कुछ ऐसा वैसा। लेकिन उनसे एक मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया कि फ्यूचर सिटी में क्या फ्लाइंग कार्स के ऊपर आप काम करेंगे, तो उनका जवाब था अगर फ्लाइंग कार्स आसमान में कुछ ज़्यादा ही चलने लगे तो इस वजह से पेनिट्रेशन हो जाएगा और जो सनलाइट है वो अर्थ तक डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, इस वजह से काफ़ी क्लाइमेटिकल चेंज आएगा और हमारा अर्थ डिज़ास्टर की तरफ चलने लगेगा। क्योंकि अभी रोडवेज में भी काफ़ी सारे ट्रैफिक्स होने लगे हैं, काफ़ी सारे कार्स बसेस ट्रैफिक्स की वजह से जाम हो जाते हैं। तो इस वजह से उन्होंने इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाला, हाइपरलूप। हाइपरलूप के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हाइपरलूप में होता क्या है कि वैक्यूम किया जाता है पूरे चैम्बर को, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कुछ एक ट्यूब लगाया जाता है जिसके अंदर एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया जाता है। इस वजह से वहाँ पे कोई रेसिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो वहाँ पूरा वैक्यूम हो जाता है और इस वजह से जो भी पॉड्स है, मतलब जिसमें पैसेंजर बैठ के ट्रैवल करते हैं, उनकी स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो जाती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो सीमलाइन बॉडी शेप के होते हैं, इसीलिए जो अभी वर्ल्ड का फास्टेस्ट रिकॉर्ड है वो भी एक सीमलाइन बॉडी शेप्ड वाला ही व्हीकल का है। और इस वजह से ये ओपन सोर्स कर दिया गया इसे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज इस पर इन्वेस्ट करेंगे और ये जो प्रोजेक्ट है ये काफ़ी सक्सेसफुल होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि इसका जो ट्यूब्स बन रहा है एक किलोमीटर बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आने लगा, लगभग $1 बिलियन का खर्चा आने लगा। लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई इस पर एक टाइम इन्वेस्ट करता है तो जो हेयर जेट प्लेन्स वगैरह है उनकी कंपैरिजन में इसका जो प्राइस होगा वो काफ़ी कम होगा। इस वजह से उन्होंने हाइपरलूप के बारे में ही बताया, और काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वीडियो का टाइम काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो आई होप सो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।